आगे मेरे पक्ष देखने का आज के वीडियो में, जैसे आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज के वीडियो में मैं अपनी पुरानी फोटोज एंड वीडियोज को रिव्यू करने वाली हूँ। हमेशा की तरह मम्मी को 100 बार मनाना पड़ता है वीडियो में आने के लिए। तो आई होप आपको अच्छी वीडियो पसंद आए, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे बनने वाली है। अगर अच्छी बनी तो ही मैं डालूंगी, अगर मैंने डाली है तो इसका मतलब ही अच्छी बनी है। जैसे कि हम आपको वीडियो में बताया था, हमारी वीडियो में था कि हमको अपनी हमको नहीं सिर्फ मेरे को और मम्मी को, हम अपनी बचपन की फोटो एंड वीडियोस को रिव्यू करना है। मम्मी की कुछ फोटो इस वीडियो में, गाइस मेरी, मेरी मम्मी की और मेरे भाई की और मेरे पापा की एक आध वीडियो सब कुछ रिवील करेंगे आज। मेरी मम्मी बहुत मार खाएगी मेरे से, लग रही है पता मैंने कौन सा काफी सारी देख रखी काफी हद तक, पर सबसे पहले एक वीडियो जो मेरे तो सबने ही देख रखी है वो, और जिसकी जो ये मेरी माँ ना उस दिन में उनको इतना बुरी लग रही थी मेरे को, वो वीडियो देखो मेरा, देखो कितने मजे में फुल नाच रही है। आराम से शादी थी तो मेरे मामा जी की, तो हंसते 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 चली गई, ठीक है, और फिर दोबारा नाचने आई लोगों के साथ, वो तो स्किप करो। ये देखो अभी देखना, अभी मैं नाचती हो गई और चप्पल उतार के फिर मैं दोबारा आई हूँ, ठीक है, और ध्यान से देखना एक चीज, मैंने चप्पल उतारी अभी देख मैं चली गई। फिर उसके बाद की स्टोरी मैं बताती हूँ। मैं गई मम्मी के पास, मम्मी मेरा सर फूट गया, मेरे को ना एक आदमी लात मार के चला गया हो जाएगा करके भगा दिया। उसके बाद पता नहीं कैसे वीडियो रिकॉर्ड हुई मुझे नहीं पता, जब कुछ टाइम बाद शादी के जब पापा ने वीडियो दिखाई और जब उन लोगों ने नोटिस किया कि पीछे मैं इतनी गंदी तरह गिरी, तब बोली हो मेरी लड़की कितनी गंदी तरह लग गई थी ऐसे कर रही। मैं कह रही अब तो गया स्टार्टिंग से, ठीक है, देखो चर्सी नेक्स्ट मम्मी क्यों करते ओके कोई ढंग की फोटो, दिस इज फोटो, वो पता नहीं मुझे जो फोटो आने वाली है वो मैंने भी बहुत कम देखी है, बट मुझे पता चला है सूत्रों से कि फोटो बहुत अच्छी है। ये बता दू उस टाइम पे ना फोटो फूनिया नाम का ना ऐप चलता था, तो उसमें फेस करके के लगाते थे, ऐसे कुछ ऐप का नाम होगा मुझे नहीं पता, तो ये पापा ने एडिट कर रखे ओ भाई साहब, मतलब मेरे को बहुत हंसी आती इन फोटो पे ये वाली पापा की फोटो है जो भैया मैंने एडिट करी थी सर पे यूनिकॉर्न बना दिया, ठीक है, यहाँ पे मेरी फोटो रिव्यू चल रहा था मम्मी पापा मुझे मेरी गली में बड़ा प्यार मिलता ना मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ, क्यूटनेस बोल रहा हूँ, एक मुड़ी फोटो ये मजक कली ऐसी ऐसी एडिट्स पड़ी है मेरे पास, मैं मम्मी को कभी भी चाहे तब जब चाहो ना तब जाके ब्लैकमेल कर सकती हूँ मम्मी रिवील मेरी फोटो डालती है अपना रिव्यू करना, मेरी फोटो पता नहीं कहाँ है सारी, तूने अपनी फोटो दिखाने के लिए बिठाया था मुझे यहाँ पे, तू मेरी फोटो निकाले जा रही है दिस इज माइंड प्लानिंग मेरी गलत बात है ये देखो मम्मी थी बस बचपन में थोड़ी सुअर, ओ दिस इज कुतुब मीनार फोटो
मेरी फोटो अभी हाथ में आई थी, जब हाथ में आई तो मेरी फोटो क्यों निकाल दी है? इसका इसका साजिश है, इसकी फोटो जानबूझ के निकाल दी है। ये ना फायदा उठा रही है कंप्यूटर चलाने का, अपनी फोटो निकाल लेना। मेरे को भी थोड़ा सारे अच्छे अच्छे फोटो निकाल के दूंगा परी की। नहीं तभी तो तेरे को नहीं मिटाना मेरे को। मैं देखो ना कितना क्यूट लग रहा हूँ। हाँ, बड़ा क्यूट लगी अपनी क्यूट क्यूट फोटो निकाली। वो बेकार बेकार फोटो निकाले अपनी, जो सर तेरे थोपड़े की खींची हुई है। ये देख कैसी लग रही है, देख सगा, देख डरा दिया है बच्चों को। उसको डरा रही हूँ। ये कौन है? ये हैप्पी। हैप्पी है कह रहा स्माइल कर, नहीं तो मौत मिलेगी। यानी क्या हो रहा है? बस हाँ थोड़ा सा मैं ऐसे आंख देखो आपको ऐसे नहीं लगता ना, परी की आंखें देख के इसने फूका हुआ है। मैं बचपन से फूक के मुझे इसने फूका हुआ। वो दूसरी वाली ऐसे देख रही है जैसे कि मेरे को नहीं क्यों नहीं दे रही है। दिस अब मेरा घोड़ा। एक चीज और दिखाती, एक चीज और दिखाती। देख कितना क्यूट लग रहा है मेरा बेटा। देखो मैं कितना, मैं क्या, तू लग रही है जंगली सुअर। एक घोड़े के ऊपर सुअर बैठा है ना। सही बात है। तेरे को गंजी बना, गजनी बना के रखती थी पूरे बचपन में, और इसके इतनी बड़ी बड़ी जुल्फे रखती थी। दो थी एक चीज की जुल्फी का मिल गई। तो गाइस हम गए थे जू, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे। उसकी हालत टाइट हो गई। तो उस गर्मियों के टाइम पे सिर्फ मैं, पापा, मम्मी और हमारे कुछ गए थे रेस्टोरेंट, मम्मी नहीं गई थी। तो उसमें इतनी धूप थी वहाँ पे कि हम पूरा अफ्रीकन बन चुके थे। और अफ्रीकन की फोटो कुछ देखो आप, फर्स्ट फोटो मैं यू और वो ये कुछ नहीं, अभी और देखिए, ये देखिए, ये भैया रिव्यू है, ये देखिए। मैं अपनी समझ में इमोजी लगा दूंगी, इतनी काली लगी हूँ मैं। कौन है? गैस कौन है बताओ, कौन है? तेरी माँ है। मेरी माँ है? ओ वो छोटा बीबी वो नहीं है, एक लड़ी कालिया नहीं, वो टुनटुन मौसी। टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी, टुनटुन मौसी। अच्छा वो तुम्हारे स्कूल की फ्रेंड? नो हटाओ, ये मैं हूँ तो है। मैं हूँ ही नहीं है। तू ही तो है, तू ही है। चर्सी तेरी आंखों से पता चल जाता, तू तो चर्सी। देख इसकी आगे ना, तेरी आगे ही चर्सी रहती है। देख अरे फोटो दिया नहीं, नहीं। इसमें आपको किसी में एक बच्चे की शक्ल अच्छी दिख जाए तो मेरा नाम बदल देना। ये दो ऐसे बच्चे, मम्मी देखो इधर आओ, ये देखो दो फोटो, दो शरीफ से बच्चे। ये फोटो दिखाओ, ये तेरी है और एक ये दिखा, दो दर ये तुम दोनों की है। मैं देखिए इसको कहते छपड़ी बना के रखती थी मयूर को। देखो परी बंद खाते है, खुश हो रही है। हाँ इसमें ही है विश्वास। ओह माय गॉड, देखो मतलब पावर है अपनी दीदी, एक से एक खराब फोटो एडिट करी है। ये देखो, देखो जेम्स बॉन्ड, जो सस्ता जेम्स बॉन्ड। ये देखो मैं बचपन से वीडियो फूटने की प्रैक्टिस करती थी। पर तूने देखा मम्मी ने डंडा रख दिया मारने के लिए। एक थोड़ा सा पढ़ने के बाद मारना। देखो वीडियो फूटने की प्रैक्टिस, ये मैंने पेन को चलाने के लिए दिया था उसको। मैंने पेन और कॉपी दी थी तेरे को लिखने के लिए, तू ये हरकतें कर रही थी। पापा रिकॉर्ड कर रहे थे। मम्मी ने बोला बेटी मेरी पलटी होगी, चलो देखती हूँ। पर मेरी फूकने की प्रैक्टिस कर रही है। मैं बाहर खाना बना रही थी। ये वीडियो असली है, ये हमारा मिशन था पलंग को चढ़ाने का। पलंग पे चढ़ा, ये मुझे पलंग पे नहीं चढ़ा वाला था। तो पापा ने, कौन है जो भी है, पापा ने, पापा तुमको पता चला है? ओके वो इतना छोटा सा पलंग है, उस पे नहीं चढ़ा। आ एक पलंग से दूसरे पलंग से जरा सा, जरा थोड़ा सा गैप है बस, मैं भी नहीं चढ़ पा। वो चट्टू चढ़ा हुआ, तू कब चढ़ा? आज
मिल गई मिल गई, ओ हो सुपर डांसर। रुक गए, यू रुक गए, मेरे से ना होगा। ओए टेंशन वाली, देख रहे देख रहे देख रहे, ऐसा लग रहा है गोल गप वो क्या कहते हैं तरबूज नाच रहा है। तुम मेरी वीडियो हटा, चल हटा मेरी वीडियो, हटा मेरे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, ये रहा मेरा सेकंड चैनल दिल्ली जाके, इन पे लाइक कमेंट घूरो, खा लो मुझे। ओके पार्ट टू क्यों है इस हमारे, इसमें बहुत सारी फोटोज थी, बहुत सारी और है भी, पर हमको कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि उनके बीच बीच में कुछ अलग अलग फोल्डर्स भी हैं। पापा की गर्लफ्रेंड आ रही है। पापा मतलब पुराने पुराने काफी, मतलब बहुत सारे फोल्डर्स है ना, तो उन बहुत सारे फोल्डरों के ना मिक्स है कुछ फोटो, और जो बहुत फनी फनी है, जो एक इकट्ठी नहीं है, बहुत अलग अलग फोल्डर्स में है। आपको दिखाएंगे तो इतने सारे फोल्डर इतने सारे, तो जितने हमको मिल पाई अपनी अच्छी अच्छी वो हमने दिखा दी। और अगर पार्ट टू आया तो उसके लिए पहले हम ढूंढ के रखेंगे सारी वीडियो, ये ढूंढ के रखेगा। बाय बाय।